बात पे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान को, ये भी पाकिस्तान की बदनामी है कि दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान साफियों के लिए सबसे ख़तरनाक जगह है, तो हामिद मीर पर जो अटैक हुआ है वो इस बात का एक और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ख़ुद भी टीवी देख रहा था उस वक्त, कोई ऐसी बात नहीं हुई जो जियो या जंग की तरफ से ये कहा गया कि ISI या कोई मुलावस है, बल्कि वो इल्ज़ाम लगाए गए थे। और जो देखें टेलीविज़न ऐसा मीडिया है जिसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ पढ़ते जाएं जिस तरह रेडियो पे पढ़ रहे हैं, आपको वीडियो दिखाने पड़ते हैं, फ़ोटो दिखाने पड़े, ग्राफिक्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए वो तस्वीर भी लगाएगी। इसका ये मतलब कि कुछ लोगों ने ये किया है जो जियो और जंग के जो रवायती तौर पर हरीफ हैं, उन्होंने ये एक छोटी हरकत की है कि इसको बंद कर दिया जाए। और आप यकीन करें कि उस दिन 6 बजे तक लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जियो को बंद करने का ऐलान कर दिया जाए, तो ये एक बड़ी बात गलत बात है। लाखों लोग इस जंग और जियो के कारोबार से वाबस्ता हैं, यहाँ पे बेशुमार फैमिलीज़ हैं जो इस इदारे पे डिपेंड करती है, और ये एक बड़ा अदारा। तो मेरी दरख्वास्त सबसे ये है कि आप ये कभी भी ना समझें कि जंग या जियो ने फौज के ख़िलाफ़ कोई बात की है। ये हामिद मीर का मामला है, उस पर कातलाना हमला हुआ है, 6 गोलियाँ लगी हैं, जख्मी हालत में वो पड़ा हुआ है, हम उस बात की मजम्मत करते हैं और जो कातलाना हमले में मुलव्वस लोग हैं उनको गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो, कीप वॉचिंग TV 786, देखते रहिए।